ब्रिंग बैक अंकित इन बीबी 16 की हुई डिमांड, अंकित गुप्ता को लेकर हुए फैसले पर फैंस जता रहे हैं नाराजगी। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में अंकित गुप्ता बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया कि बिग बॉस ने बाकी कंटेस्टेंट्स को ये मौका दिया कि वो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से किसी एक के लिए वोट कर सकते थे, और उसके बाद प्रियंका रोते हुए नजर आई हैं। अधिकतर लोगों ने अंकित पर निशाना साधा है, तो ऐसे में अब अंकित के फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अंकित का शॉकिंग एविक्शन दिखाया जाएगा, और अंकित के एविक्शन के फैसले से फैंस नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक एपिसोड में अंकित का एविक्शन दिखाया नहीं गया है। अंकित का एविक्शन होता भी है या नहीं ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अंकित के फैंस उनके सपोर्ट में उतरे नजर आ रहे हैं, मेकर्स के खिलाफ उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहले ट्विटर पर ट्रेंड हुआ नो अंकित नो बिग बॉस, और अब ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है ब्रिंग बैक अंकित इन बीबी 16, यानी अंकित गुप्ता के एविक्शन से पहले ही उन्हें शो में वापस लाए जाने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं कि अंकित को शो में वापस लाए जाने के लिए एक मुहिम चला दी गई है। आपको बता दें कि प्रियंका और अंकित की जोड़ी को टीवी के दर्शक और बिग बॉस के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि इन दोनों को वो शो में एक साथ देखना चाहते हैं, और अगर अंकित का एविक्शन हो जाता है तो इनकी जोड़ी टूट जाएगी। ऐसे में प्रियंका अकेली पड़ जाएंगी, उनका गेम खराब भी हो सकता है। हालांकि बहुत लोगों का ये भी मानना है कि प्रियंका का गेम सुधर जाएगा। आपको बता दें कि अर्चना ने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि अंकित को शो से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रियंका का गेम बिना उनके कंधे के देखना चाहती हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या अब मेकर्स अर्चना की दी गई सलाह को हकीकत में बदल रहे हैं। वहीं साजिद खान ने भी ये दावा किया था कि 48 घंटे में अंकित शो से बाहर हो जाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार साजिद खान को ये कैसे पता चला कि अंकित शो से बाहर होने वाले हैं। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।